नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो लगातार सड़कों की जांच पड़ताल करने खुद निकल जा रहे हैं। ऐसे में अब विजय सिन्हा ने राज्य उच्च पथ यानी SH तथा बृहद जिला पथ यानी MGR की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों को सड़कों के रखरखाव के बारे में कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़कों का ससमय मेंटेनेंस नहीं होने पर अधिकारी नपेंगे। नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सड़क मरम्मत के लिए नीति बनी हुई है। इसके तहत स्थलीय निरीक्षण कनीय अभियंता को सप्ताह में कम से कम एक बार, सहायक अभियंता को 15 दिनों में एक बार, कार्यपालक अभियंता को महीने में एक बार और अधीक्षण अभियंता को क्षेत्रांश के एक तिहाई भाग का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। इसका मकसद ये है कि सड़कों की मरम्मत ससमय होता रहे, ऐसा नहीं हुआ तो दोषी अधिकारी नपेंगे। पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इससे पहले बिहार राज्य पथ विभाग निगम लिमिटेड के सभागार में सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य में समय से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इस बैठक में संवेदकों को आमंत्रित करने का मूल उद्देश्य उन्हें प्राथमिकता से अवगत कराना और समस्याओं का निराकरण करना है। वहीं उन्होंने कहा कि कार्य में उदासीन अभियंताओं की पहचान कर नियम के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि सड़कों के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी 15 अगस्त तक आम लोगों को भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्य अभियंताओं को कहा गया कि बारिश की वजह से सड़कों पर वाहनों का परिचालन बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करें। बारिश के मौसम में पथ के संधारण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।